तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एमटीवी राइडर रिएक्ट। वेल गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डू अ स्टॉपी ऑन अ बाइसिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप वन, वियर अ हेलमेट। स्टेप टू गाइस, आपको अपनी साइकिल को थोड़ा सा स्पीड में लाना है और जो अपना बॉडी वेट होता है उसको फ्रंट की तरफ में अप्लाई करना है, जिससे कि साइकिल का वेट पीछे से कम हो जाएगा। गाइस मैं आपको करके बताता हूँ, आपको मेरे बोलने से शायद समझ नहीं आएगा, तो मैं फटाफट से आपको करके दिखाता हूँ। स्टेप थ्री, अप्लाई ब्रेक्स एट द सेम टाइम। जब आप अपनी बॉडी वेट को आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको जो अपनी फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई कर देना है, जिससे कि आपकी साइकिल पीछे से उठ जाएगी, हाइट टेल में लग जाएगी। वाइज जब आप स्टॉपी को परफॉर्म करते समय अपना फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उसको झटके से नहीं छोड़ना है, जिससे कि आप अगर आप एकदम से उसको रिलीज़ कर देंगे तो आपका साइकिल जो है वो झटके से नीचे आ जाएगा और उसकी वजह से आपको इंजरी भी हो सकता है। तो आपको ब्रेक को एकदम धीरे धीरे क्लिप करते हुए छोड़ना है, जिससे कि आपका जो स्टॉपी है वो स्मूथली नीचे आएगा। दैट्स इट गाइस, इन्हीं स्टेप्स को आपको ध्यान रखते हुए स्टॉपी को परफॉर्म करना है। प्लीज़ मेरे बोलने शायद आपको नहीं समझ आएगा, मैं फटाफट से इसको भी करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको बॉडी वेट आगे देखकर ब्रेक को अप्लाई करना है। भाई जैसा कि आपने देखा, कुछ इसी तरीके से तीन चार स्टेप्स को आपको फॉलो करके स्टॉपी को करना होता है और सीट हाइट को आपको नीचे रखना है, इस बात का आप ध्यान रखें स्टॉपी करते समय, वरना आपकी साइकिल फ्रंट की तरफ से फ्लिप कर सकती है। इन्हीं को आपको फॉलो करके स्टॉपी को मास्टर करना है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करते हो। लेट्स इट गाइस। दोस्तों गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अभी मैंने कुछ और क्लिप्स ऐड करी है तो उनको देखकर आप सीखिए कि किस तरीके से स्टॉपी को परफॉर्म किया जाता है।